वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू टेक्नोलॉजी। फ्रेंड इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कैट को, तो चलिए फ्रेंड इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कौन कैट होता क्या है। ठीक है, तो कौन कैट एक फंक्शन है, ठीक है, जो ऐड करता है टू एंड मोर एक्सप्रेशन को एक साथ। ठीक है, कि मान लीजिए कि आपका नेम है, ईमेल है, लास्ट नेम है, आप उसको एक साथ ऐड करना चाहते हैं तो आप कौन कैट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, आपको लिखना है कौन कैट, ठीक है, उसके बाद एक्सप्रेशन लिखना है, वन कॉमा करना है, फिर एक्सप्रेशन टू, फिर कॉमा करना है, एक्सप्रेशन थ्री, फिर आपको कॉमा करना है। इस तरीके से आप जितना एक्सप्रेशन चाहे उतना एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये टेक्निकल डिटेल्स में क्या है, तो इसके लिए आप कॉन्टैक्ट यूज करने के लिए आपका SQL का जो वर्जन होना चाहिए 4.0 से 0 होना चाहिए या 4 से एवव होनी चाहिए, 4.4 से नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने लिखा सेलेक्ट कॉन्टैक्ट, अब मैंने SQL ट्यूटोरियल इज एंड फन को एक साथ ऐड करना की मतलब ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप जैसे ही इस SQL को गो करोगे तो आपको इस तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, उन्होंने SQL को ट्यूटोरियल को सबको एक साथ ऐड कर दिया है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो मैंने लिखा सेलेक्ट कॉन्कैट, एड्रेस को मैं कॉन्कैट करना चाहता हूँ, पोस्टल कोड को और सिटी को, और मैंने उसका एक टेम्परेरी नाम दे दिया जिसका नाम दे दिया एड्रेस। ठीक है, अब ये सब किससे करना है, हमको कस्टमर वाले टेबल से करनी है। ठीक है, तो आप जैसे इसको गो करोगे तो आपको इस तरीका से एड्रेस को, पोस्टल कोड को और सिटी को आपको आउटपुट ये देगा, ये तीनों को आपको कॉन्कैट करके ये आउटपुट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस फ्रेंड इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मैंने अपने SQL को मैंने अपने डेटाबेस को ओपन कर लिया है और मैं एक टेबल में जा रहा हूँ। अब मैं SQL पे गया और सिंपली लिखा सेलेक्ट कॉन्कैट, मैं सिंपली एक स्ट्रिंग को यहाँ पे नेम देना चाह रहा हूँ, नेम को एंड लास्ट नेम को कॉन्कैट करना चाह रहा हूँ। टेम्परेरी नाम देना चाहता हूँ जिसका मैं नाम दे देता हूँ नेम। ठीक है, और मैं जैसे गो करूंगा तो देखिए आपको फुल नेम पे दोनों को, नेम एंड रंजीत एंड कुमार को एक साथ उन्होंने कॉन्किनेट कर दिया। ठीक है, अगर आप इसमें स्पेस देना चाहते हैं तो आपको ठीक है से स्पेस भी दे सकते हैं। देखिए स्पेस आ गया। अगर कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं इन दोनों के साथ, कि जैसे मैं ये अब मैं गो किया तो ये देखिए रंजीत कुमार के बीच में वो उन्होंने इस तरीके से कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए मेरा यूजर टेबल है, इसको एक और टैब में ओपन कर रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ नेम और ईमेल को एक साथ कॉन्कैट कर दें, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है और नेम लिखना है आपको, ईमेल लिखना है। अब मैं फ्रॉम कौन से टेबल से, तो यूजर टेबल से मैं जैसे ही गो करूँगा तो देखिए फ्रेंड आपको नेम और ईमेल को एक साथ कॉन्कैट कर दिया है। ठीक है, अब इसमें अगर आप चाहते हैं कि स्पेस के साथ आए तो आप सिंपली ये करके और यहाँ पे स्पेस दे दीजिए, गो करेंगे तो आपको देखिए फ्रेंड नेम और ईमेल के बीच में स्पेस कर दिया है उसने। और कुछ और एडिशन वगैरह आप करना चाहते हैं इसमें, जैसे मुझे इसके साथ आनी चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब मान लीजिए कि इसके साथ अगर आप कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं, तो अगर मैं वेयर क्लॉज लगाऊंगा, ठीक है, और मैं दे दिया अंडरस्कोर नेम, ठीक है, और मैं मान लीजिए ये जो है रमेश, इस यूजर को कॉपी किया और मैं चाह रहा हूँ, तो आपको एक एरर दे देगा। आप वेयर क्लॉज इसके साथ आप नहीं लगा सकते हो, देखिए ठीक है, अननोन कॉलम दे दिया फुल नेम,
ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हैविंग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप वो करोगे तो आपको देखिए एक आउटपुट मिल गया। ठीक है, अब इसके साथ अगर आप कुछ और भी फील्ड ऐड करना चाह रहे हो तो आप वो कर सकते हो। जैसे मैं आईडी करना चाह रहा हूँ, नेम करना चाह रहा हूँ, अमाउंट करना चाह रहा हूँ, कंट्री, और मैं जब गो करूंगा तो देखिए फ्रेंड आपको आईडी 9, नेम रमेश, माउंट और कंट्री नेपाल। ठीक है, अब इसमें और अगर आप कुछ कंडीशन ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वेयर मैं देता हूँ, वेयर इसका अमाउंट जो है ग्रेटर देन होना चाहिए, मान लीजिए 500 से। ठीक है, तो ये वाली जो हैविंग वाली कंडीशन तो आपकी मैच कर रही है, लेकिन जो अमाउंट वाली कंडीशन है वो मैच नहीं कर रही है कि उसका अमाउंट मैंने 500 से अबव रख दिया, तो गो किया तो आपको एक भी यूजर नहीं दिखेगा। ठीक है, मैं अभी इसका 100 कर देता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें अगर आप ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय कुछ भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अगर आपको ग्रुप बाय लगानी है तो हैविंग से पहले लगानी है। ठीक है, अगर बाद में उसको लगाएंगे तो आपको एरर देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ग्रुप बाय मैंने कंट्री से कर लिया ग्रुप बाय। देखिए यहाँ पे आपको एरर दे दिया है कि ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग का आपको एरर दे दिया है। ठीक है, कि आप इस ऑर्डर में इसको नहीं लिख सकते हैं, तो आपको क्या करना हैविंग से पहले लिखना है, वेयर क्लॉज के बाद लिखना है। अब मैं गो करूँगा, देखिए फिर आपका ऑर्डर बाय हो गया है। ये आपको इसलिए नहीं पता चल रहा है क्योंकि मैंने हैविंग लगाया है और आपको एक ही यूजर दिख रहा है। अब मैं अगर इसको करूँगा तो देखिए आपको कंट्री के अकॉर्डिंग यूजर को ऑर्डर बाय कर दिया। ठीक है, अगर इसमें और भी कुछ अगर ऐड करना चाहते हैं, जैसे ग्रुप बाय आपने ऐड कर दिया, अब इसमें आप चाहते हैं कि ऑर्डर बाय यूज करें, तो ऑर्डर बाय हैविंग के बाद लगानी है आपको। पहले लगाओगे तो आपको सेम ऑर्डरिंग की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो मैं ऑर्डर बाय भी लगा देता हूँ। ऑर्डर बाय आप लगाना चाहते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग। अब असेंडिंग का मतलब यह होता है कि छोटे से बड़े की तरफ, और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़ा से छोटे की तरफ। अगर मैंने ऑर्डर बाय आईडी लगा दिया, ठीक है, और यहाँ दे दिया असेंडिंग, ठीक है, तो पहले जो यूजर होगा मान लीजिए 8 का है तो 8 का यूजर देगा, 9 का देगा, 10 का देगा, 11 का देगा। ठीक है, इस तरीके से आपको देगा। अब गो करते हैं तो आपको एक ही यूजर है इसलिए पता नहीं चल रहा, और आपको इसके लिए मैं ये हैविंग को हटा दे रहा हूँ। अब आपको क्लियर हो जाएगा, देखिए फ्रेंड आपको 9 यूजर का पहले आईडी दिया, फिर 10 का, फिर 11 का। अगर इसको मैं डिसेंडिंग कर दूँ, डिसेंडिंग कर दूँ, फिर क्या होगा, पहले जो आईडी नंबर 14 है उसका देगा, ये देखिए उल्टा कर दिया, रिवर्स में कर दिया। ठीक है, अब इसके साथ अगर आप चाहते हैं, अब मैं गो करता हूँ, हैविंग को ऐड कर दिया, पहले मैंने हटा दिया था आपको दिखाने के लिए। अब इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि ज्वाइन लगाना तो वो भी लगा सकते हैं, तो आपको सिंपली लिखना है, कोई भी ज्वाइन लगा सकते हैं आप, इनर ज्वाइन लगाना है, लेफ्ट ज्वाइन लगाना है, और इनर ज्वाइन किस टेबल से लगाना चाहते हैं, ऑर्डर टेबल से ऑन करना है, फिर आपको जहाँ यूजर का जो आईडी होगा वो इक्वल होना चाहिए ऑर्डर के यूजर आईडी से। ठीक है फ्रेंड, अब आपको एक प्रॉब्लम आएगी क्योंकि जो ऑर्डर वाली टेबल है उसमें भी नेम है और आईडी है सेम, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये कि कौन सा टेबल का नेम है और कौन सा टेबल का आईडी है। देखिए नेम और आईडी, तो मैं यहाँ पे गया और ये जो देखिए फ्रेंड यहाँ नेम है, तो मैं यूजर्स डॉट नेम कर देता हूँ। पहले आपको एरर भी दिखा देता हूँ, देखिए अननोन कॉलम आईडी, ठीक है, जबकि यूजर टेबल में आईडी है और ऑर्डर टेबल में भी है, तो आपको बताना पड़ेगा यूजर डॉट आईडी। ठीक है, नेम चाहिए, यूजर्स का ही नेम है, ऑर्डर बाय में भी। अब मैं गो करूंगा तो आपको
SQL इस तरीके से आपको ज्वाइन भी दिख गया है। ठीक है, आप ज्वाइन का हुआ डेटा क्यों नहीं दिख रहा है, मैं आपको एक डेटा दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने वहाँ सेलेक्ट ही नहीं किया है डेटा को, कॉलम को, सॉरी। तो मैं सिंपली अब मुझे फिर से SQL लिखना पड़ेगा फ्रेंड, सेलेक्ट मैंने कॉन्टैक्ट किया था नेम को, सॉरी ईमेल को, ठीक है, जिसका मैंने एल्स कर दिया था, नेम से फ्रॉम यूजर टेबल से जिसका वेयर लगाया था ग्रेटर देन होना चाहिए 100 से, एंड हैविंग यूज किया था मैंने फुल नेम से, और मैं हैविंग हटा देता हूँ अभी, और यहाँ पे मैं ज्वाइन लगा देता हूँ बस, इनर ज्वाइन ज्वाइन जहाँ यूजर्स ऑर्डर टेबल ऑन यूजर्स डॉट आई डी इक्वल होना चाहिए ऑर्डर्स डॉट यूजर आई डी के, ठीक है। और हमने यहाँ पे ऑर्डर टेबल का जो नेम था वो नहीं दिख रहा था, तो मैं बस दे देता हूँ यहाँ पे, अब मैं गो करूँगा। सॉरी यहाँ पे अमाउंट देना भूल गया हूँ, मैं गो करूँगा। देखिए अननोन कॉलम दे दिया नेम, क्योंकि नेम जो है यूजर टेबल में भी है। अब मैं एंटर किया, अब मैं गो करूँगा। तो देखिए फ्रेंड, आपको ऑर्डर वाले टेबल से भी डेटा दिख गया, नेम वाले टेबल से डेटा दिख गया। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.